हमीरपुर के दो सड़का चौक पर ड्रेनेज की समस्या का हल निकालने के लिए डाली जा रही नाली लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। वहीं एक महीने से ज्यादा से समय हो चुका है और काम धीरे धीरे चल रहा है, जिस कारण लोगों में रोष पनप रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई जा चुकी है कि जल्द से जल्द काम किया जाए। बावजूद इसके आज तक लोगों के घरों के आगे मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। दसुड़का चौक के पास सब्जी मंडी कार्यालय के पास सड़क किनारे खोदी गई नालियों के काम को पूरा न किए जाने पर लोगों में रोष भी है। स्थानीय निवासी बिमला देवी, रसील सिंह, संजीव कुमार, जोगिंदर शर्मा आदि ने मांग करते हुए कहा कि नालियों के काम को जल्द करवाया जाए। लोगों ने बताया कि घरों के पास नालियों का गंदा पानी आ रहा है और इस बारे में विभाग को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 दिनों से खुदाई तो हो चुकी है, लेकिन आगे का काम नहीं हो रहा है, जिस कारण परेशानी और बढ़ गई है। 6 दिन हो गए एक्चुअली, इन्होंने खड्डे खोदे, कोई सुनवाई नहीं करा थी। ये मेरा पानी ये पीछे से पूरा आधा पीछे थे और पानी डंप हो जाता, पानी नीचे पानी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है और ये मतलब मकान का खतरा है इस समय। इससे वजह से रिक्वेस्ट करने आया एक्शन साहब, एसडीओ साहब, सबको बोल गया, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। 3 बार जाके आया मैं वहाँ एक्शन को, आज भी किया फोन। उन्होंने बोला मैं आईपीएच वालों को बोलता हूँ कि थोड़ी पाइप शिफ्ट होनी है यहाँ से, बाटर मेन पाइप आएगी पानी की, पाइप शिफ्ट होनी है, तो लेकिन कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। वो ठेकेदार सामने खड़ा, वो ये ठेकेदार है, इसको भी बोला, ये बोला डिपार्टमेंट वाले करेंगे। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरे को टेंशन हो रही है, मतलब 3 दिन हो गए मेरे को इसी चक्कर में, 3 दिन हो गए, मतलब इनको बोल बोल के थक गया मैं। बोलते कर देते हैं बस ऐसे बोले, अगर आपने इन्होंने नहीं करना है तो इसको फिल कर दें, बस बंद कर दें काम। प्रोटेक्शन चाहिए, या तो मेरे को प्रोटेक्शन दें या लिख के दे दें कि हम जिम्मेवार हैं, अगर कुछ मेरा नुकसान होता है तो हम जिम्मेवार हैं, बस फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा इनको। मकान की प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को। कल को पानी सब नीचे जा रहा है और नीचे तक चला जा रहा है, वो पहले ही बहुत नुकसान हो गया पीछे बैक साइड में। वही महिला ने बताया कि उनके पति बीमारी से ग्रस्त हैं और इस हालत में कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन हो गए यहाँ से, हम लोग बड़े परेशान हैं, हमारे मकान को खतरा है और पूरा ये जो है पीछे भी पिछली साइड ही पानी जा रहा है, हमारा मकान पीछे साइड से लेके आगे तक ये मतलब इसको गिरने का खतरा है। और ये जो है खड्डा पड़ा हुआ है, इधर सारा पानी गंदा नीचे बह रहा है और मेरे हस्बैंड बीमार हैं, इनको भी इधर ये खतरा है बीमारी का, क्योंकि ये गंदा पानी आ रहा है पीछे से, आप पीछे से देख सकते हैं, और सब इसको मतलब आके हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम 6 बार उधर जाके आए हैं, पूरे मतलब ऑफिस में चक्कर मार रहे हैं, फोन कर रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। हम बहुत तंग हो गए हैं और अभी जो है अभी जो भी होगा वो ये जिम्मेदार ले लें, हमारे मकान की भी और मेरे आदमी की भी। अगर इनको कुछ होता है टेंशन की वजह से तो ये प्रशासन वाले ही जिम्मेदार होंगे और जिन्होंने ये तोड़ा है वो जिम्मेदार होंगे। और इन्होंने 12 फुट खड्डा नीचे कर दिया है, इन्होंने इधर छोड़ दिया, 6 दिन हो गए आज ना कोई आ रहा है ना कोई कुछ कर रहा है, हम बहुत परेशान हैं। इसके लिए हमारी एक विनती है कि आके इधर देखें और सारे हमारी जो सहायता है वो कर सकते हैं तो करें।